हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। हम लेबोरेटरी में कई प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं और सभी मशीनों पर काम करने का सभी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक तरीका जो सभी लैब टेक्नीशियन को या जो भी उस मशीन पर काम कर रहा है उसको फॉलो करना होता है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस मशीन पर काम करने वाले के लिए उस प्रोसीजर को फॉलो करना अनिवार्य होता है। उसी क्रम में हम आज एक हीमेटोलॉजिकल एनालाइजर जो कि होरिबा का ABX माइक्रोज ES60 मॉडल है, उसको चलाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, अर्थात SOP क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपने इस मशीन पर काम किया है या कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखें कि आप SOP को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन बातों पर गौर कर लेते हैं जो हमें उस मशीन को शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो मशीन को शुरू करने से पहले हमें तीन बातों को नोट करना है और यह हमारे प्रोसीजर में शामिल है। तो सबसे पहले आप मशीन को स्टार्ट करें, उससे पहले आप चेक करें कि आपके जो रिएजेंट है, लाइजर, क्लीनर और डाइल्यूट, उसकी मात्रा मशीन को ऑपरेट करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है। अर्थात आप यदि दिन की शुरुआत में मशीन को शुरू कर रहे हैं तो वह रिएजेंट आपके पूरे दिन चलने वाले है या नहीं है, उसको आप इंश्योर करें कि आपके सारे रिएजेंट सफिशियंट मात्रा में है या नहीं है। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट है कि आपके रिएजेंट तो सफिशियंट है, लेकिन आपका जो वेस्ट कंटेनर है उसको भी चेक करें कि वो ओवरफ्लो तो नहीं है, और यदि आधा भरा हुआ भी है और आप पूरे दिन के लिए यह ओवरफ्लो हो सकता है तो इसको खाली कर लें। और तीसरा पॉइंट, आपका प्रिंटिंग पेपर सफिशियंट है या नहीं है, तो उसको इंश्योर कर लें कि आपके प्रिंटर में पेपर की मात्रा सफिशियंट है या नहीं है। तो इन तीन बातों को गौर करना है आपकी मशीन शुरू करने से पहले। मशीन को शुरू करने के लिए आपका मशीन का जो पावर बटन है उसको ऑन कर लें, और उसके बाद में आप देखें कि पीछे एक छोटा सा ब्लैक कलर का बटन है, उसको दबाकर मशीन को शुरू कर सकते हैं। जब आप इस स्विच को दबाएंगे तो मशीन शुरू होने के बाद मशीन पहले टेम्परेचर दिखाएगा और टेम्परेचर को स्थिर करेगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, टारगेट टेम्परेचर इन प्रोग्रेस प्लीज वेट, अर्थात आपका तापमान स्थिर हो रहा है, कृपया इंतज़ार करें। जब आपकी मशीन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगी तो आपका जो स्टार्टअप साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर को स्थिर करने का समय आपके रूम टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि आपकी मशीन का और रूम का टेम्परेचर क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से आपको स्टार्टअप साइकिल में भी समय लगेगा, तो थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा और आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका स्टार्टअप साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक ब्लैंक रिपोर्ट मिलेगी, तो इस ब्लैंक रिपोर्ट को आप चेक कीजिएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि आपका जो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल है वो 0.3 से कम होना चाहिए, उसी प्रकार से RBC का लेवल 0.02 से कम होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का लेवल 0.3 से कम होना चाहिए, और उसी प्रकार से प्लेटलेट का लेवल 10 से कम होना चाहिए। यदि आपका लेवल इसकी लिमिट में आता है तो आपका स्टार्टअप साइकिल पास है, और फिर आप इसको जो राइट का चिन्ह दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके मशीन को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्टार्टअप साइकिल कंप्लीट होगा तब आपको एक लॉगिन मेनू मिलेगा। अब लैबटेक विकल्प चुनने के लिए L बटन को क्लिक करें। इस तरीके से आप अब कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। अब यदि आपके पास ब्लड कंट्रोल है तो वो आप लगा सकते हैं, लो, नॉर्मल और हाई। प्रत्येक दिन आप इन कंट्रोल्स का उपयोग करें और जांच कर लें कि आपका कंट्रोल पास हो रहा है या नहीं है। अब आप टेस्ट लगाने के लिए 2 ml ब्लड EDTA ट्यूब में होना चाहिए, अर्थात आपको K3 EDTA वायल को प्राथमिकता देनी है। तो टेस्ट को लगाने से पहले इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आप रोटेटर का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि रोटेटर नहीं है तब आप ब्लड को 10 से 15 बार ऊपर से नीचे लगभग 365 डिग्री पर अपसाइड और डाउन में 10-15 बार मिक्स कर लेना है। अब आपकी मशीन
टेस्ट के लिए रेडी है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसमें आप फीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके कीबोर्ड खोल सकते हैं और इसका नाम और आपका जो लैब आईडी है उसको टाइप करके जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना लैब नंबर डालिएगा, फिर मरीज़ का नाम, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ, कौन से विभाग का सैंपल है, कौन से डॉक्टर है, उनकी सारी जानकारी आप इस प्रकार से भर लीजिएगा। जैसे जैसे आप राइट के चिन्ह को दबाते जाएंगे नेक्स्ट टैब पर आपका कर्सर आता रहेगा और आप इस प्रकार से जानकारी भर सकते हैं। सैंपल को एस्पिरेट करने के लिए ब्लड से भरी टेस्ट ट्यूब का ढक्कन हटाएं और टेस्ट ट्यूब को मशीन की नीडल के पास ले जाएं और सैंपल बार को दबाएं, जिससे मशीन की नीडल सफिशिएंट ब्लड को खींच लेगी और आपका सैंपल प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि यह सैंपल प्रोसेस में कुछ समय लेता है और उसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपने मशीन को ऑटोमेटिकली प्रिंट के लिए सेट किया है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट आ जाएगा, नहीं तो आप मैन्युअली प्रिंटर पर क्लिक करके आप रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट को लगा सकते हैं। लेकिन हमारा SOP अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। SOP में आपका शटडाउन भी शामिल है, तो प्रत्येक दिन शटडाउन साइकिल चलाना अनिवार्य होता है। तो शटडाउन साइकिल चलाने के लिए आप यहाँ कॉर्नर में एग्जिट का बटन देख रहे हैं, इसको आप टच कीजिएगा तो आपका इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन में जो पावर ऑफ का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसको आप टच करेंगे तब शटडाउन साइकिल शुरू हो जाएगा। कुछ समय तक शटडाउन साइकिल चलने के बाद यह मशीन स्टैंड बाई मोड पे आ गई है। अब आप इस मशीन के जो पीछे हमने शुरू में जो बटन क्लिक किया था उसी को ऑफ कर देना है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन जब आप मशीन शुरू करें और बंद करें तब आपको स्टार्टअप साइकिल और शटडाउन साइकिल चलाना अनिवार्य होता है, जिससे आपकी रिजल्ट और मशीन लॉन्ग लाइफ रहती है। तो इस वीडियो में यह इस मशीन का SOP था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। फ्यूचर में हम किसी और मशीन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आएंगे और इस मशीन के साथ भी कुछ और जानकारी साझा करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।